देखिए वीडियोस जो आपको मोटिवेट करे, सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आईपीएल ने बहुत से खिलाड़ियों को रातों रात स्टार बना दिया। वहीं दूसरी ओर बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जो कभी आईपीएल की शान हुआ करते थे, लेकिन आज क्रिकेट से पूरी तरह से दूर हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐसे ही पांच खिलाड़ियों की जो एक वक्त आईपीएल के चमकते सितारे हुआ करते थे। नंबर 5, कामरान खान। दोस्तों, कामरान खान को 2009 में राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में रखा और उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया और 11 विकेट भी लिए। लेकिन दिक्कत तो तब आई जब उनके बॉलिंग एक्शन पे सवाल उठाए गए और कामरान को अपना बॉलिंग एक्शन चेंज करना पड़ा। उसके बाद वो कभी पहले जैसी बॉलिंग नहीं कर पाए। 2011 में पुणे वॉरियर्स ने उन्हें अपनी टीम में जगह तो दी, लेकिन एक इंजरी के कारण वो बाहर हो गए और उसके बाद किसी भी फ्रेंचाइजी ने कभी कामरान को अपनी टीम में नहीं रखा। दुख की बात तो यह है कि कामरान आज खेतों में काम कर रहे हैं और आज भी क्रिकेट खेलने के मौके ढूंढते रहते हैं। नंबर 4, लक्ष्मीपति बालाजी। दोस्तों, लक्ष्मीपति बालाजी आईपीएल के एक सफल खिलाड़ी माने जाते हैं। शुरुआत के 3 सीजन चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हुए 2010 में चेन्नई की जीत में लक्ष्मीपति बालाजी ने अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लक्ष्मीपति बालाजी को अपनी टीम में रखा और उसी साल केकेआर की जीत में भी लक्ष्मीपति बालाजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 2014 में किंग्स इलेवन पंजाब ने बालाजी को अपनी टीम में लिया और उस साल वो अपनी बॉलिंग से इतना प्रभावित नहीं कर पाए और इसके बाद कभी किसी फ्रेंचाइजी ने लक्ष्मीपति बालाजी को अपनी टीम में नहीं लिया। नंबर 3, सौरभ तिवारी। झारखंड के लेफ्ट हैंड बैट्समैन सौरभ तिवारी ने 2010 में मुंबई इंडियंस से अपनी आईपीएल की शुरुआत की और उसी साल टीम के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर भी बने। सौरभ तिवारी ने अपनी बैटिंग से टीम इंडिया के सेलेक्टर्स को भी इम्प्रेस कर दिया और टीम इंडिया का भी हिस्सा बन चुके थे। इसके बाद हर फ्रेंचाइजी सौरभ तिवारी को अपनी टीम में लेना चाहती थी। आरसीबी ने सौरभ तिवारी को 7.5 करोड़ में अपनी टीम में लिया, लेकिन उस साल उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और अगले ही साल 2017 में मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 30 लाख के अंदर सौरभ तिवारी को एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर अपनी टीम के अंदर जगह दी। नंबर 2, मनविंदर सिंह बिस्ला। दोस्तों, सभी को याद होगा 2012 का आईपीएल फाइनल जहां कोलकाता ने चेन्नई सुपर किंग को हराकर पहली बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था। उस मैच के मैन ऑफ द मैच थे मनविंदर सिंह बिस्ला, जिन्होंने 48 बॉल्स में 89 रन बना के अपनी टीम को जिताया। दोस्तों, सभी को लग रहा था कि मनविंदर सिंह की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगला ही सीजन उनका अच्छा नहीं गया और उनकी जगह रॉबिन उथप्पा को मिल गई। दोस्तों, आज मनविंदर सिंह बिस्ला छोटे कॉर्पोरेट टूर्नामेंट में खेलते हैं। नंबर 1, पॉल वल्थाटी। दोस्तों, 2011 के आईपीएल सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलने वाले पॉल ने एक ही सीजन में 463 रन्स बनाए, जिनमें एक शतक भी शामिल था। इसके बाद उन्हें आईपीएल का एक मशहूर चेहरा समझा जाने लगा, लेकिन एक इंजरी के बाद वो अपनी इस बैटिंग को कभी दोहरा नहीं पाए और धीरे धीरे क्रिकेट की दुनिया से दूर हो गए। तो दोस्तों, ये थे आईपीएल के भी ऐसे ही पांच खिलाड़ी जो एक वक्त आईपीएल के मशहूर चेहरे थे, लेकिन आज क्रिकेट से दूर हो चुके हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।